सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इसीलिए आज मैं आर्टिफिशियल नेल्स पे दूसरी वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊँगी आपको आप आर्टिफिशियल नेल सेट कैसे बना सकते हैं, वो भी दूसरे मेथड से, मतलब जो प्रीवियस वीडियो में मेथड बताया था मैंने उससे अलग है ये। हे एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल, इट्स मी शिव हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इन आर्टिफिशियल नेल्स को आप अपने कोई भी राइट या लेफ्ट किसी भी हाथों पर यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आप सिर्फ 10 to 20 रुपीज़ खर्च करेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा को ये जो फेक नेल्स हैं 20 रुपीस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें सेल करेंगे तो मोर देन 100 या 150 आप इन्हें सेल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इन्हें कैसे बनाना है वो तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ ये वाले फेक नेल्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं थोड़े और फेक नेल्स और बाय कर लूँ। नेल्स को बाहर निकाल लेते हैं और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके सिटी में नेल्स का क्या प्राइस है। कॉटन और रिमूवर की हेल्प से आपको अपने नेल्स को क्लीन कर लेना है। मैं अपने राइट हैंड के लिए ये आर्टिफिशियल नेल्स का सेट बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने नेल को कट कर रही हूँ। कट करने के लिए आपके पास जो भी नेल कटर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कट करने के बाद इम्पॉर्टेंट होता है आपके नेल को फाइल करना। फाइल करने के लिए आप कोई भी फाइलर का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ग्लास फाइल का इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ आपके नेल फाइल होते हैं। फेक नेल को आपको अपने नेल के ऊपर चेक करके देखना है कि वो आपके साइज़ का है या नहीं है, और ऐसे ही सारे के सारे आपको 5 नेल्स निकालने हैं। अब अगर आपके नेचुरल नेल से ज़्यादा बड़ा साइज़ है फेक नेल का तो आपको उन्हें फाइल कर लेना है। जैसा कि ये मेरा थंब वाला जो था ये थोड़ा सा बड़ा था मेरे नेल से, तो मैं इसे साइड से फाइल कर रही हूँ, साथ ही में जो क्यूटिकल एरिया है वहाँ से भी इसे फाइल कर रही हूँ। अब अगर आप ये अपने लिए बना रहे हैं तब तो आप इन्हें फाइल कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके कस्टमर का नेल साइज़ क्या है तब भी आप इन्हें फाइल कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट इन्हें सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेल को ऊपर साइड से फाइल नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके नेल की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो देखने में और भी ज़्यादा रियल लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने नेल को काफ़ी अच्छे से फाइल किया है, और चेक करने पे भी ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, तो ऐसे ही बाकी के भी मैं फाइल कर लूँगी। तो अब मैं आगे का वर्क जो करने वाली हूँ वो DIY नेल होल्डर के ऊपर करने वाली हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको चेक करना हो तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और इसके ऊपर इस तरीके से मैं अपने नेल को फिक्स कर दूँगी। अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे बेस कोट। आपके पास जो भी बेस कोट हो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश अगर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब बेस नेल पॉलिश मैं ये वाली यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब मैं यहाँ पे इस नेल पेंट को भी अप्लाई कर लेती हूँ। ये जो नेल होल्डर होता है इसको यूज़ करने से आप कैसा भी नेल आर्ट कर सकते हो, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेल पेंट स्प्रेड होने का भी डर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक जुगाड़ दिखाती हूँ। मेरा जो नेल होल्डर है उसमें एक नेल फिक्स है, पर मेरे पास टाइम कम था और मेरे को बाकी के नेल्स को भी फिक्स करना था, तो मैंने क्या किया था, ये मेरे नेल आर्ट ब्रशेज है, इनके पीछे मैंने लगा दिया था डबल साइडेड टेप और उसके ऊपर ये नेल को स्टिक कर दिया था। तो ये भी आप फटाफट से अगर आपको करना हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, ये हैक को। अब मैं यहाँ पे फटाफट से टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, तो इसीलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट नेल पेंट अप्लाई करूंगी वो वाली और ये वाली आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब मैं यहाँ फ्लावर बनाने के लिए ये ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये नेल आर्ट ब्रश नहीं है, ये नॉर्मल ब्रश है जिससे हम पेंट करते हैं, और ये एज ए DIY राउंड ब्रश काम करता है, तो इससे फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए व्हाइट नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे से ये फ्लावर को बना रही हूँ। नेल होल्डर को यूज़ करने का फ़ायदा आप देख सकते हो, मैं जैसा चाहूँ वैसे इस नेल को मूव कर सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आपको नेल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपने अभी अभी शुरुआत की है नेल आर्ट में, मतलब बिगिनर हो आप, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये DIY नेल होल्डर बना लो। अगर आप अलग से नहीं बाय करना चाहते हो तो बना सकते हो, इससे यूज़ करके भी आप अपनी नेल आर्ट की जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये फ्लावर यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं। अब मैं ग्लिटर नेल पॉलिश को यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे ये डॉटिंग टूल की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स रख रही हूँ, ये स्मॉल वाला है। अगर आपके पास डॉटिंग टूल्स भी नहीं है तो मैंने DIY नेल आर्ट टूल्स एंड ब्रशेस पे वीडियो बनाई है, वो चेक कर सकते हो आप। तो ये तो हमारा पूरा नेल आर्ट डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है, एंड मैं कर रही हूँ यहाँ पे टॉप कोट से। ये रहे बाकी के नेल्स, इन्हें भी मैं अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ। स्वर नेल आर्ट किया है मैंने इन सारी टिप्स पे, काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर आपको वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। मैं यहाँ पे ट्विज़र का यूज़ कर रही हूँ ये डबल साइडेड टेप को रिमूव करने के लिए। अब मैं बचे हुए नेल्स में से भी ये जो डबल साइडेड टेप है इसे रिमूव कर लूँगी। टू बी ऑनेस्ट, बड़ा मज़ेदार काम है ये। तो ये रहे नेल सेट, मैंने लाइन वाइज लगा के रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें आप यूज़ कैसे कर सकते हो। नेल्स को अप्लाई करने से पहले मैं अपने नेल्स को बफ कर लेती हूँ, इससे नेल्स जो होते हैं, मतलब फेक नेल्स जो होता है, वो आपके नेचुरल नेल पे काफ़ी अच्छे से स्टेक होते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने पिंकी नेल को ले लिया है और यहाँ पे मैं नेल ग्लू को अप्लाई कर रही हूँ, और फटाफट से अब क्या करूँगी, ये नेल को अपने नेचुरल नेल पे स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब प्रेस करके रखूँगी थोड़ी देर। तो ये देखो कुछ ही सेकंड्स पे ये जो फेक नेल है ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब मैं अपने बाकी के बचे हुए नेल्स को भी अप्लाई कर लूँगी। एक बात और, अगर आपके पास नेल ग्लू नहीं है और आप DIY नेल ग्लू बनाना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो की लिंक जो है वो मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल पे क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने अपनी नेल को फाइल किया, बफ किया, उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं। तो क्यूटिकल ऑयल को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वापस से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। और ये DIY क्यूटिकल ऑयल है, इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर तक आपको मसाज करनी है इसकी अच्छे से। तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल नेल सेट रेडी। डिफरेंट मेथड का यूज़ किया है, डिफरेंट नेल आर्ट डिज़ाइन है, डिफरेंट कलर्स हैं। आप यहाँ पे पास से भी देख सकते हो ये कैसे लग रहे हैं, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।